हेलो, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे हम लोग आज पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो शुरू करने से पहले लास्ट वीडियो में क्या क्या हुआ हम बोल देता है। लास्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़ा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं कैसे चेक करते हैं, और अगर एग्जैक्ट है तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। फिर हम लोग ने पढ़ा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, मतलब हम लोग के पास इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है तब कैसे सॉल्व करें। तो हम लोग के पास एक हीरो आता था जिसका नाम क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हम लोग क्या करते थे, इक्वेशन जो एग्जैक्ट नहीं है हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां पे, तो वो इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाता है, और जब एग्जैक्ट बन जाता है तब हम सोल्यूशन निकाल देते हैं। तो हमने लास्ट वीडियोस में देखा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, 4 to 5 मेथड्स था निकालने का। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो लिंक आइटम में भी दिया हुआ रहेगा और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे हम लोग के पास दो टाइप्स है, एक है लीनियर इन एक्स और एक लीनियर इन वाई। आप लोग को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल देख के समझना पड़ेगा कि वो लीनियर इन एक्स है या लीनियर इन वाई है, ठीक है, क्योंकि दोनों का अलग अलग जो प्रोसीजर है सॉल्व करने का अलग अलग है, सिमिलर है बट थोड़ा अलग है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं लीनियर इन एक्स, उसका फॉर्म देखिए। फॉर्म क्या होता है, dx dy plus px equal to q, where p and q are functions of y alone। ये फॉर्म आप लोग को यहां पे घुसाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे याद, लीनियर इन एक्स मतलब dx dy आना ही पड़ेगा, और लीनियर इन एक्स कैसे पता चलेगा, अगर इक्वेशन में x एक बार आया तो लीनियर इन एक्स, ठीक है। लीनियर इन वाई ये देखिए इक्वेशन dy dx आएगा, ये ध्यान देना पड़ेगा, लीनियर इन वाई मतलब dy dx आना पड़ेगा। और इक्वेशन में देखिए y कितना बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, और जो pq है आर फंक्शंस ऑफ x, यहां पे y नहीं है, तो अगर इक्वेशन में y एक बार आ रहा है तो लीनियर इन वाई, अगर इक्वेशन में x एक बार आ रहा है तो लीनियर इन x। अभी आप लोग को ये क्लियर हुआ फर्स्ट चीज कि चेक कैसे करते कि लीनियर इन x या लीनियर इन वाई, तो एग्जांपल्स लेके देखेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। और भी अभी देखिए आप लोग ने तो पता लगा लिया कि लीनियर एक्स है या लीनियर वाई है, अभी सॉल्व कैसे करेंगे। सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, तो यहां पे भी हम लोग के पास हीरो आता है सॉल्व करने के लिए। हीरो का नाम क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। देखिए लीनियर एक्स का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है क्या होता है, ई पावर जो एक्स का कोफिशियंट है पी डी वाई। क्यों डी वाई, क्योंकि p जो फंक्शन है वो y का है इस केस में, ठीक है, इसलिए e पावर जो आएगा p dy कर देंगे। और लीनियर इन y में देखिए dy dx plus py equal to q, y एक बार है लीनियर है, तो यहां पे जो pq है फंक्शंस ऑफ x, ठीक है। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकाल देंगे, e पावर y का कोफिशिएंट क्या है p, e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। क्यों dx, क्योंकि p जो फंक्शन है वो x का ही है, ठीक है। तो अभी हम लोग ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया। अभी आप लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग ने इसलिए निकाला क्योंकि सॉल्यूशन में हेल्प होता है, हम लोग सॉल्यूशन जो निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर के यूज से ही निकालते हैं। देखिए यहां पे सॉल्यूशन जो क्या होता है लीनियर इन एक्स के केस में, क्या था सॉल्यूशन, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हम लोग को मिलेगा, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डीवाई प्लस कॉन्स्टेंट, ये आता है। ये आप लोग को समझना पड़ेगा और आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। फिर लीनियर इन वाई में कैसा आता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लोगों ने निकाल दिया, सॉल्यूशन क्या आएगा, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डीएक्स प्लस सी। क्यू डीएक्स, क्योंकि क्यू जो है फंक्शन ऑफ एक्स है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी जो होगा वो फंक्शन ऑफ एक्स या कॉन्स्टेंट रहेगा। तो ये था थ्योरी, बस इसका जो थ्योरी है ये बहुत कम है। अभी हम लोग एग्जाम्पल्स लेंगे, इसका दो एग्जाम्पल लेंगे, इसका दो लेंगे, तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। या तो देख लीजिए फिर से लीनियर एक्स कैसे चेक करते हैं, एक्स अगर एक बार तो लीनियर एक्स, वाई अगर एक बार तो लीनियर वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर पी डी वाई, इसमें ई पावर पी डी एक्स, सोल्यूशन एक्स होने से लीनियर एक्स होने से एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी, सेम है। यहां पर भी देखिए लीनियर वाई है तो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। अभी हम लोग एग्जाम्पल्स लेंगे ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग दो एग्जांपल्स के साथ, क्या है देखिए, फर्स्ट एग्जांपल एक्स प्लस टू वाई क्यूब इंटू डीवाई डी एक्स इक्वल टू वाई, और एक नेक्स्ट वाला वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई पावर माइनस इनवर्स वाई इंटू डीवाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, और एक कंडीशन है, ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करें, आप लोग को बस क्या चेक करना है, लीनियर एक्स या लीनियर इन वाई, कैसे चेक करते हैं। देखिए इक्वेशन में एक्स कितना बार आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन में एक बार, यहां पे एक्स नहीं है,
एक्स एक बार, वाई कितना बार, एक बार दो बार, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, लिनियर इन एक्स। ये फर्स्ट स्टेप है कि चेक करना। नेक्स्ट में देखिए, एक्स कितना बार, एक बार और नहीं है, वाई कितना बार, एक बार दो बार, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, लिनियर इन एक्स। तो ये आप लोग ने पता लगा लिया कि लिनियर इन एक्स है दोनों इक्वेशन। तो अभी फॉर्म याद रखना पड़ेगा, सेकेंड स्टेप कि फॉर्म क्या है लिनियर इन एक्स का। मैंने बोला था कि यहां पे घुसाना पड़ेगा फॉर्म। फॉर्म क्या था, देखिए मैं यहां पे लिखता हूं, जो फॉर्म था लिनियर इन एक्स का वो क्या था, लिनियर इन एक्स तो डी एक्स डी वाई आता था प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, ये फॉर्म आता था। और इस फॉर्म का हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, कैसे निकालते थे, ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, सॉरी पी डी वाई, क्योंकि यहां पे पी फंक्शन ऑफ वाई है, ठीक है। तो अभी ये क्या इस फॉर्म में है, यहां पे क्या डी एक्स डी वाई है, नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन में डी एक्स डी वाई है नहीं है, और इस फॉर्म में भी नहीं है। तो अभी हम लोग का सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप तो फॉर्म आप लोग ने याद कर दिया, थर्ड स्टेप क्या होगा कि आप लोग को इस इक्वेशन को सजाना पड़ेगा। कैसे सजाना पड़ेगा, इस फॉर्म में, ठीक है। तो स्टार्ट करते सजाना, कैसे देखिए, आप लोग को डी एक्स डी वाई लाना है, तो हम क्या करते हैं, एक्स प्लस टू वाई क्यू बाय वाई इक्वल टू डी एक्स डी वाई लिख सकते हैं। यहां पे डी एक्स लेके चला गया, यहां पे डी वाई आ गया और वाई यहां पे आ गया, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अभी ब्रेक कर देते हैं, डी एक्स डी वाई इक्वल टू एक्स बाय वाई प्लस टू वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, ब्रेक कर दिया, एक्स बाय वाई प्लस टू वाई स्क्वायर, ठीक है। अभी देखिए डी एक्स डी वाई आ गया, और हम लोग ने ब्रेक क्यों किया, क्योंकि यहां पे प्लस आता है, कुछ आता है ना। अभी देखिए, अभी आप लोग बोलोगे, सोचोगे कि ये लेके आए या ये लेके आए ना, तभी देखिए हम लोग के पास क्या है, यहाँ पे x है dx dy, और हम लोग यहाँ पे क्या आता था, x आता है, तो हम लोग क्या लेके आए, ये लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो x नहीं है, तो ये क्यों लेके आए इस साइड में। तो हम लोग अभी लिखेंगे यहाँ पे dx dy माइनस ऑफ x by y इक्वल टू टू वाई स्क्वायर, ठीक है। कुछ गलत किया मैंने, नहीं किया शायद। अभी देखिए ये फॉर्म आ गया, देखिए डी एक्स डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, ठीक है। तभी यहां पे पी क्या होगा, पी यहां पे क्या है, माइनस वन बाई वाई, ठीक है ना, प्लस ले लिया तो माइनस अंदर घुस जाएगा, और क्यू क्या है यहां पे, टू वाई स्क्वायर। तो ये इक्वेशन फॉर्म में आ गया, ये आप लोगों ने थर्ड स्टेप कॉम्प्लीट कर दिया, आप लोगों ने सजा लिया इसको। तो अभी हीरो आएगा ये इस इक्वेशन के पास, कैसे निकालता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आई एफ इक्वल टू ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, यहां पे ई पावर पी क्या है, माइनस वन बाई वाई डी वाई, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ई पावर माइनस लॉग वाई, वन बाई वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई होता है, तो ये क्या आ जाएगा, वन बाई वाई आ जाएगा, माइनस वाई पर माइनस वन चला जाएगा, और इसका मैंने प्रॉपर्टी बोला था ई पावर लॉग एनीथिंग एनीथिंग हो जाता है, यहाँ पे वाई पर माइनस वन आएगा तो वन बाई वाई, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग ने क्या मिला, हम लोग के पास वन बाई वाई। तभी सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इक्वल टू लिनियर एक्स, तो एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, वन बाई वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, यहां पे क्यू क्या है, टू वाई स्क्वायर, तो टू वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो वन बाई वाई प्लस कांस्टेंट, यहां पे dy आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन है, प्लस कांस्टेंट, तो यहां पे क्या आ जाएगा, x by y इक्वल टू y, y कट गया तो 2y, 2y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर प्लस c, सही है 2y, तो 2y स्क्वायर बाय 2, 2 टू कैंसिल y स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग के पास ये आंसर आ गया, एकदम सिंपल, ठीक है। तो आप लोग को समझना है, पहले तो क्या करना पड़ता है, लिनियर x या लिनियर में ये चेक करना है, फिर आप लोग को फॉर्म चेक करना है कि फॉर्म क्या होता है, फिर आप लोग को इक्वेशन देखना है कि ये इक्वेशन फॉर्म में है कि नहीं, और अगर नहीं है तो उस फॉर्म में लाना है, मतलब सजाना है इसको, तब तुमने सजा दिया, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, फिर सॉल्यूशन निकाल देना है, खत्म। अभी चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, ये भी क्या बोला था, ये लिनियर इन एक्स है, तो लिनियर इन एक्स, और लिनियर इन एक्स का फॉर्म क्या होता है, डी एक्स डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, डी एक्स डी वाई होता है, यहाँ पे क्या है, डीवाई डी एक्स है, तो आप लोग को इस इक्वेशन को सजाना पड़ेगा, ये आप लोग को सोचना पड़ेगा कि कैसे सजाए इसको ताकि इस फॉर्म में आ जाए, क्योंकि इस इक्वेशन से तो हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं निकाल पाते, इंटीग्रेटिंग फैक्टर
इस इक्वेशन का ही आता है ई पावर पी डीएक्स पी डी वाई सॉरी, तो सजाना ही पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसके पास नहीं आएगा, इंटीग्रेटिंग सुंदर इक्वेशन के पास आएगा, ठीक है। तभी कैसे सजाए, देखिए अगर हम वन प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दे डीएक्स डीवाई से, डीएक्स डीवाई को अगर होल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दे, वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू डीएक्स डीवाई प्लस, क्योंकि क्यों मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि हम लोग को डीएक्स डीवाई चाहिए, प्लस एक्स माइनस ई पावर माइनस टेन इनवर्स वाई, और डीवाई डीएक्स और डीएक्स डीवाई वन हो जाएगा, और यहाँ पे जीरो इंटू एनीथिंग जीरो आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हम लोग के पास, और सजाना पड़ेगा क्योंकि देखिए यहाँ पे डीएक्स डीवाई है, और डीएक्स डीवाई के कोफिशिएंट में कुछ है क्या, है क्या, कुछ नहीं है, यहाँ पे वन है, और यहाँ पे क्या है वन प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या करना पड़ेगा आप लोग को, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो करते हैं डिवाइड, डीएक्स डीवाई प्लस एक्स माइनस ई पावर माइनस टेन इनवर्स वाई बाई वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है, लिख दिया मैंने सिंपल। अगर फॉर्म याद है तो आप इसको सजा भी पाओगे, फॉर्म के अकॉर्डिंग सजाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, डी एक्स डी वाई प्लस एक्स बाय वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस ई पावर माइनस टेन इनवर्स वाई बाई वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ गया। देखिए डी एक्स डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, उसको वहां लेके चले जाते हैं, डी एक्स डी वाई प्लस वन बाय वन प्लस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इसको वहां लेके गए ई पावर माइनस टेन इनवर्स वाई बाई वन प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे पी क्या है, वन बाय वन प्लस वाई स्क्वायर, क्यू क्या है ई पावर माइनस टेन इनवर्स वाई बाई वन प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप लोग ने फॉर्म में ला दिया, एकदम अच्छे से सजा दिया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा इसके पास, इसके पास नहीं आएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई पावर पी डी वाई, पी क्या है वन प्लस वाई स्क्वायर, वन बाय वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करिए, क्या आएगा ई पावर टेन इनवर्स वाई आता है, इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर जो होता है वो होता है टेन इनवर्स वाई, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हम लोग के पास, सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, लिनियर इन एक्स है तो क्या आएगा एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है ई पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्यू क्या है ये, तो लिखिए यहाँ पे ई पावर माइनस टेन इनवर्स वाई बाई वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है ई पावर टेन इनवर्स वाई डी वाई प्लस सी, तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या आ जाएगा एक्स ई पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ई पावर माइनस टेन इनवर्स वाई इंटू ई पावर टेन इनवर्स वाई, तो ये ई पावर माइनस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स वाई कट जाएगा जीरो हो जाएगा ई पावर जीरो वन, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी, और हम लोग ने देखा कि वन प्लस वाई स्क्वायर वन बाय वन प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन इनवर्स वाई प्लस सी, ठीक है। हैंडराइटिंग थोड़ा गलत है लेकिन मुंह से बोल रहा हूं तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। तो अभी देखिए सोल्यूशन आ गया हम लोग के पास, यही है सोल्यूशन, यहाँ पे आप लोग का जनरल सोल्यूशन मिल गया, ठीक है, यही तक ही है, लेकिन अभी हम लोग के पास एक कंडीशन दिया हुआ है, देखिए y of 1 इक्वल टू जीरो, अगर ये नहीं दिया जाता तो यहां तक आप लोग का आंसर आ जाता, यही आंसर, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, और अगर जब कंडीशन देते हैं तो हम लोग पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, देखिए y of 1 इक्वल टू जीरो मतलब वी पुट x इक्वल टू वन और y इक्वल टू जीरो, y of 1 मतलब y of x मतलब x इक्वल टू वन और y इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहां पे पुट करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा देखिए x इक्वल टू वन तो वन इंटू ई पावर टेन इनवर्स जीरो, टेन इनवर्स जीरो जीरो होता है, ई पावर जीरो वन, तो यहाँ पे वन ही आ जाएगा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई मतलब टेन इनवर्स जीरो 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 प्लस कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट का वैल्यू क्या है, क्या आ गया हम लोग के पास वन, तो यही कॉन्स्टेंट का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हो जाता है पार्टिकुलर सोल्यूशन, ये हम लोग के पास जनरल सोल्यूशन, तो पार्टिकुलर सोल्यूशन क्या आ जाएगा x e पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई प्लस वन, ठीक है। ये सोल्यूशन बहुत ही इजी है, आप लोगों को स्टेप्स याद रखना है, क्या करना है लिनियर एक्स या लिनियर वाई, फिर उसके अकॉर्डिंग फॉर्म याद रखना पड़ेगा, अगर लिनियर एक्स है तो ये फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है, तो
इक्वेशन को देख के उस फॉर्म में लाना पड़ेगा सेकंड स्टेप, फिर सजाना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर सॉल्यूशन, फिर कंडीशन अगर हुआ तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हुआ। अभी चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स में, तो चलते हैं नेक्स्ट दो एग्जांपल्स के साथ। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोलता है, देखिए, एक्स कॉस एक्स इंटू डीवाई डी एक्स प्लस वाई ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू वन, और नेक्स्ट वाला 1 माइनस टू एक्स वाई इंटू डी एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो। तभी आप लोगों को क्या करना है, चेक करना है लिनियर एक्स है या लिनियर वाई है। कैसे चेक करते हैं, एक्स कितना बार आ रहा है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में एक्स एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार आ रहा है, तो ये लिनियर एक्स हो ही नहीं सकता। वाई कितना बार, वाई एक बार आ रहा है, तो ये लिनियर इन वाई है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट वाला में एक्स कितना बार, एक बार, दो बार, तो ये लिनियर एक्स हो ही नहीं सकता। वाई कितना बार, एक बार, और यहां पे नहीं है वाई एक बार, तो ये भी लिनियर इन वाई है। और ध्यान दीजिए यहाँ पे जो फॉर्म है एम डी एक्स प्लस एम डी वाई फॉर्म भी है इक्वल टू जीरो, मतलब हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट है कि नहीं चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब एक इक्वेशन को हम लोग बहुत वे से सॉल्व कर सकते हैं, बट इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से करेंगे क्योंकि ये लीनियर इन वाई है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर थ्री से। ठीक है, अभी आप लोग ये मतलब गलती मत करना कि यहाँ पे डीवाई डी एक्स है तो लीनियर इन वाई होता है, ऐसे चेक मत करना। मतलब जैसे एग्जाम्पल में डी एक्स डी वाई है तो लीनियर इन एक्स होगा, ऐसे ऐसे चेक मत करना, क्योंकि लास्ट एग्जांपल्स में मैंने दिखाया था ना, वहां पे क्या था, dy dx था, लेकिन वो क्या था, लीनियर इन x था। तो चेक कैसे करते हैं, आप लोग x और y को काउंट करना, x एक बार तो लीनियर इन x, अगर y एक बार तो लीनियर इन y। ठीक है, तो ये लीनियर इन y है। अभी भाई साहब फॉर्म मैंने बोला था यहाँ पे घुसाना पड़ेगा, ठीक है ना, अगर फॉर्म अच्छे से अगर आप लोग को याद नहीं तो आप इक्वेशन को सजा भी नहीं पाओगे, और अगर आप इक्वेशन को सजा नहीं पाए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी नहीं निकाल पाओगे, हीरो को नहीं निकाल पाओगे, और अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं निकाल पाए तो सॉल्यूशन भी नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो फॉर्म आप लोग को यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। तो ये लीनियर इन वाई है, तो लीनियर इन वाई का फॉर्म क्या होता है, लीनियर इन वाई, तो डीवाई डी एक्स, डीवाई डी एक्स। ठीक है, ऐसा समझ के याद रखना है, लीनियर इन वाई तो डीवाई डी एक्स प्लस यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे वाई आएगा इक्वल टू क्यू, और वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स। ठीक है, तो देखिए इतना सुंदर सा इक्वेशन है, बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, यहाँ पे हीरो आता है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये सुबह ही उठ के आया है, ये इसको हम लोग को सजाना पड़ेगा, यहाँ पे हीरो नहीं आएगा। ठीक है, इसको हम लोग सजाएंगे इस फॉर्म में तब जाके इन हीरो आएगा इसके पास। ठीक है, तो इसको हम लोग सजाते हैं, कैसे सजाएंगे, देखिए लीनियर इन वाई है तो डीवाई डी एक्स आ रहा है, वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लास्ट वाले प्रॉब्लम में ऐसा नहीं था लेकिन इस प्रॉब्लम में ऐसा है, बहुत अच्छा है हम लोग के पास। अभी देखिए dy dx का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट, 1 कुछ भी नहीं है, 1 है, और यहाँ पे क्या है x cos x, मतलब इसको भगाना पड़ेगा भाई साहब, इसको भगाए कैसे भगाए, डिवाइड कर दे पूरा इक्वेशन को x cos x से तो भग जाएगा ना, तो कर देते हैं dy dx प्लस y बाई ऐसे हो जाता है, तो इसको हम लोग पूरा डिवाइड करते हैं x sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय x cos x इक्वल टू 1 बाय x cos x, सही है, डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भाग गया, देखिए डिवाइड x। अभी हम लोग को और भी थोड़ा सुंदर बना देते हैं, क्योंकि हम लोग को प्लस py इक्वल टू q, जहां पे p क्या होता है, फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है लेकिन भी हम लोग सजा देते हैं अच्छे से, ब्रेक कर देते हैं, ये भी है लेकिन मतलब इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग को यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगा, तो कर देते हैं y x x कैंसल, तो यह क्या आ जाएगा टेन एक्स प्लस cos x कैंसल तो 1 बाई एक्स। ठीक है, ये समझ में आया, ऐसे ही और भी सुंदर बना दिया, यहाँ पे भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आएगा 1 बाई एक्स cos x, तो यहाँ पे देखिए p क्या है, p इक्वल टू देखिए d डिवाइड dx प्लस y, p इक्वल टू q, p क्या है 10 x प्लस 1 बाई एक्स, और q क्या है 1 बाई एक्स cos x, और हीरो क्या है, हीरो का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e पावर पी डी एक्स, बी क्या है 10 एक्स प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स। अभी आप लोग को इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन तो हम डायरेक्ट करेगा क्योंकि हम लोग को पता है इंटीग्रेशन, अगर आप लोग को नहीं पता बोलना, हमें हम वीडियो बनाएगा इसके ऊपर ट्राई करेगा। ठीक है, तो 10 एक्स क्या होता है log sec x प्लस 1 बाई एक्स क्या होता है log x। ठीक है, हमको पता है और आई होप आप लोग को भी पता है, e पावर log a प्लस log b क्या आता है log a b, तो log sec x इंटू एक्स आ जाएगा, और प्रॉपर्टी क्या था e पावर log एनीथिंग,
क्या जाता है, एनीथिंग आ जाता है। यहाँ पे एनीथिंग क्या है, sec x इंटू एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग के पास आ गया sec x इंटू एक्स। तभी सोल्यूशन निकालते हैं, सोल्यूशन कहां निकाले, यहाँ पे भी यहाँ ही निकालते हैं, सोल्यूशन इक्वल टू लीनियर इन वाई है। सोल्यूशन कैसे याद रखना है, लीनियर इन वाई है तो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग क्या है, वाई एक्स sec x सही है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्यू क्या है, वन बाय एक्स कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, एक्स sec x dx प्लस कॉन्स्टेंट सही है। अभी देखिए यहाँ पे इजी एकदम, वाई एक्स sec x इक्वल टू वन बाई कॉस एक्स, क्या होता है sec x होता है, और x x उठ गया और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है आपको, और इंटीग्रेशन तो आप लोगों को पता ही है, वाई एक्स sec x इक्वल टू sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये आ गया आप लोग के पास जनरल सोल्यूशन, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया। अभी लेते हैं और एक एग्जाम्पल, जो लास्ट एग्जाम्पल है इस एपिसोड का, और ध्यान दीजिए आप लोग ताकि और भी अच्छे से समझ में आए और गलती ना हो, एक्सीडेंट ना हो। देखिए ये एग्जैक्ट है, लेकिन हम लोग लीनियर इन वाई से भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे वाई कितने बार आ रहा है, एक बार, तो लीनियर इन वाई तो कैसे करें, और लीनियर इन वाई का फॉर्म क्या है, डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो करिए अभी कैसे करे, हाँ कैसे करे, इसको इसको रब कर देता है, ठीक है। फॉर्म याद रखना है आप लोग को, फॉर्म याद रखना है, तो डीवाई डी एक्स करना है, तो करते हैं। देखिए सिंप्लीफाई करना है आप लोग को, वन माइनस टू एक्स वाई डी एक्स, ये माइनस है इसको वहां लेके जाते हैं, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन डीवाई लिख सकते हैं। अभी देखिए हम लोग के पास क्या चाहिए, डीवाई डी एक्स, तो हम क्या करता है, डीएक्स को यहां लेके चला जाता है, तो क्या आ जाएगा, डीवाई डी एक्स, डीएक्स को यहां लेके गया तो एक्स स्क्वायर माइनस वन यहां आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये आ गया आप लोग के पास, सही है, डीवाई डी एक्स इक्वल दिस। अभी आप लोग को क्या चाहिए, डीवाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई चाहिए, तो यहाँ पे तो पी इंटू वाई नहीं है, तो डिवाइड कर देते हैं इसको, डीवाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस टू एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख सकते हैं, ठीक है, ब्रेक कर दिया। अभी देखिए, अभी आप लोग सोचोगे इसको लेके आए या इसको लेके आए, और मैंने बोला था फॉर्म, अगर फॉर्म याद है आप लोग को अच्छे से सब मतलब सब जा पाओगे, एकदम सिंपल है। तो क्या करिए, देखिए यहाँ पे p इंटू वाई है, p इंटू वाई, यहाँ पे y है तो इसको लाना है, इसको नहीं लाना, क्योंकि x तो अलग है, अलग करके रखना है ना q को, तो dy dx डी एक्स प्लस टू एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो ये फॉर्म आ गया, देखिए डीवाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ठीक है। यहाँ पे p क्या है, p इक्वल टू टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्यू इक्वल टू वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो अभी हीरो इसके पास आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e पावर p dx, तो क्या आ जाएगा, टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन dx, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या होता है, ये इसका डिफरेंशिएशन ऊपर आ रहा है, तो e पावर log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, और e पावर log एनीथिंग क्या होता है, एनीथिंग, और यहाँ पे एनीथिंग क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तभी सोल्यूशन क्या आ जाएगा, सोल्यूशन को कैसे याद करें, लीनियर इन वाई है तो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन इन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्या है, वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स प्लस सी, और ये से इससे कट जाएगा, बचा के हम लोग के पास वन डी एक्स, और वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स प्लस सी। ये आ गया आप लोग के पास आंसर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया, और यही था आज के वीडियो में, कॉन्सेप्ट बहुत ही थोड़ा है, बट वही क्वेश्चंस देख के आप लोगों को सॉल्व करना है कि लीनियर एक्स है या लीनियर वाई है, तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा मेरा, उसमें रहेगा इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर, जहां पे बर्नौली इक्वेशन भी आता है, ठीक है। मतलब वहां पे क्या होता है कि आप लोग को इक्वेशन देख के पता नहीं चलेगा कि वो लीनियर एक्स है या लीनियर वाई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए डी वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, देखिए ये इक्वेशन है, यहाँ पे क्या है, देखिए x कितना बार आ रहा है, एक बार दो बार, और y कितना बार आ रहा है, एक बार दो बार, तो ये x भी दो बार y भी दो बार, या फिर लीनियर x है या लीनियर y है पता नहीं चल रहा, तो
यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं लीनियर फॉर्म में। अभी वो कैसे रिड्यूस करते हैं वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियो में सॉरी, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं पूरा कवर कर दूंगा तो वो शायद दिस वीक में आ जाएगा। तो यही था आज के वीडियो में, आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगर कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके बोलना जरूर, और सॉरी अगर कुछ गलती हुआ, मुंह से बोलने में कभी कभी हो जाता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, और यही था आज के वीडियो में। और अगर आप लोग को अच्छे समझ में आए तो शेयर कर देना आप लोग के अंदर के जो मैथ्स फ्रेंड के साथ, और जो जेम देने की सोच रहा है और जो गेट देने की सोच रहा है, गेट में भी आता है ये सब, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, बुरा लगे तो डिसलाइक कर देना। तो तब तक मिलता, ओ मतलब वीडियो अच्छा लगे तब तो लाइक करना ही है, लेकिन जो अभी तक वीडियो देख रहा है, जो सच में लास्ट तक वीडियो देखता है, प्लीज लाइक कर देना जरूर, क्योंकि एटलीस्ट 5-10 जन अगर देख रहा है, अगर 5-10 जन लाइक आए तो एटलीस्ट हमको पता चले कि 5-10 जन देख रहा है, क्योंकि व्यूज तो आता है 30-40-50, लेकिन वहां से कैसे पता चलेगा कि कितना जन सच में देख रहा है लास्ट तक। तो आप लोग ये कर देना जरूर, ठीक है ना। तो मिलता है अगेन, यही बोलना था, बाय बाय।